हेलो नमस्कार आदाब वड़कम सत श्रीकाल जुले दिस इज योर जीवन ज्योति बर्मन एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो बात कुछ ऐसा है कि आज है 21 जनवरी 2021। तो दो दिन पहले हम लोग कहीं पे गए थे, हम लोग मतलब मैं, मेरा भाई अभिक और अभिक का दो दोस्त सौजन्यो और गोपाल। 17 जनवरी को प्लान हुआ कि 18 जनवरी हम जाने वाले हैं हमारा बाइक का सर्विसिंग करवाने, और सौजन्यो कुछ ही दिन पहले एक बाइक लिया था ड्यूक 250, सो उसका नंबर प्लेट भी आ गया है तो हाथों हाथ वो भी ले लेंगे। और प्लान के मुताबिक हम लोग निकले थे 18 जनवरी को सुबह, और निकलने के बाद क्या क्या हुआ वो जाके देख लो, जाओ भाई देख लो यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हम निकल रहे हैं अभी सिलीगुड़ी के लिए, और नज़ारा कुछ ऐसा है, पूरा फॉग ही फॉग है अभी। तो हम अभी अभी निकले हैं और ये कैमरे के आगे पूरा फॉग ही फॉग जम गया, इतना फॉग है यहाँ पे, फॉग मतलब बारिश की तरह टपक रही है। सो ये मत सोचना कि अचानक कपड़े कैसे चेंज हो गए। मैंने पिछले वाला जो शूट किया था वो था शायद 21 जनवरी में, और आज हो रहा है 25 जनवरी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हम मीटिंग पॉइंट पे पहुंच गए और हम अभी वेट कर रहे हैं सौजन्यो और गोपाल के आने का। सो वो लोग आएंगे यहाँ पे और फिर निकलेंगे यहाँ से। अभी ये बाइक हमने धोया भी नहीं काफ़ी दिनों से, तो गंदा पड़ा है, धूल मिट्टी लगा है, और आज इसका सर्विसिंग होगा तो ये थोड़ा और अच्छा दिखेगा, पूरा नया जैसा चमक जाएगा। देखने यहाँ पे कैसे धूल जमा है, सब कुछ धूल जमा हुआ है। अभी ये लोग आ गए, तो देरी ले लो। सो अभी हम पेट्रोल फुल करेंगे और निकलेंगे यहाँ से। तो अभी बचे हैं सुबह के 7:30 और हम फ्यूल भरवा के अभी अभी निकले हैं माता मंगा से, और ये देखो अभी भी रास्ते पे कितना फॉग हो रखा है। और हम अभी जाने वाले हैं जमालदा, मतलब जमालदा में जाके फिर एक टी ब्रेक लेंगे और फिर निकलेंगे वहाँ से। अभी बज रहे हैं 8:13 और अभी अभी सूरज देवता निकले हैं, और सूरज भी काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, पर उतना ज़्यादा तेज़ नहीं है सूरज की किरण, सो ठंड लग रहा है अभी भी। सो मैं मिलता हूँ आपको जमालदा जाके, और तब तक आप लोग व्यू एंजॉय करो, और कैसा लगा व्यू कमेंट करके ज़रूर बताना। In a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me on now. तो जब हम जलपाईगुड़ी पहुंचे तब बज रहे थे 8:30 सुबह के, और शोरूम खुलने वाला था 10 बजे, फिर वर्कर्स आते तो काफ़ी देर हो रहे थे। सो अभी आया प्लान में ट्विस्ट, तो हम लोगों को यहाँ पे 2 से 2.5 घंटे तक वेट करना पड़ रहा था। सो हम लोगों ने सोचा क्यों ना पहले ड्यूक 250 का नंबर प्लेट लिया जाए और फिर कहीं पे घूमने के लिए जाए, और नेक्स्ट डे वापस आते हुए रॉयल एनफील्ड का सर्विसिंग करवा के फिर घर जाएंगे। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15 और हम निकले हैं अभी जलपाईगुड़ी से। जलपाईगुड़ी पे बेसिकली हम रुके थे एनफील्ड का सर्विसिंग करवाने के लिए, तो अभी एनफील्ड का सर्विसिंग हुआ नहीं जो कि हम कल करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा भैया है
तो हम वो भैया से मिले और फिर वहाँ पे हम पूरी और सब्जी खाए और फिर हम निकले हैं जलपाईगुड़ी से। सो अभी हम जा रहे हैं सिलीगुड़ी की तरफ और ड्राइव एंजॉय करो एज यूजुअल। आज का डेस्टिनेशन क्या होने वाला है, हम कहाँ जाने वाले हैं आज? सो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है और आप लोगों को शायद लंबा ब्लॉग पसंद नहीं है। सो मैंने ये डिसाइड किया कि अब से मैं 8 से 10 मिनट या 12 मिनट का ही ब्लॉग डालूँगा, जो कि आप लोग पसंद करते हो शायद, मुझे लगता है। थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे। अगला ब्लॉग जल्द ही आने वाला है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, राइड सेफ एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज़।